जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पवित्र सदन दे विच मैनूं बोलन दा मौका दिता। श्रीमान जी, मैं सरकार दा ध्यान लोक महत्ता दे एक अति जरूरी मामले वाल दिवाउणा चाहुंदा हां। अर्थात पिंड मत्तेआड़ा जिला लुधियाणा दे नज़दीक सतलुज दरिया दे किनारे दे नाल नाल इक फोकल पॉइंट लगाउण दी तजवीज़ सरकार दे विचार अधीन है। दरिया के नाल लगते पिंडां दे लोकां दे मनां विच एक खोह बनिया होया है कि दरिया के कंडे ते कैमिकल फैक्ट्रियां लगन नाल फैक्ट्रियां तो होने वाला डिस्चार्ज कैमिकल दरिया विच सुट्टिया जाएगा, जिस नाल पानी दे प्रदूषित होने नाल आले दुआले का वातावरण ही नहीं प्रदूषित नहीं होगा बल्कि लोगों की सेहत लई एक गंभीर खतरा पैदा होगा। इसलिए मामले की गंभीरता नूं ध्यान विच रखते हुए मैं सरकार नूं पुरजोर बेनती करता हाँ कि दरिया के किनारे दे इस उसारे जाने वाले फोकल पॉइंट विच कैमिकल उद्योग तो इलावा होर उद्योग लगाए जान ता कि दरिया का पानी कैमिकल दे डिस्चार्ज होने कारण प्रदूषित ना होवे अते लोकां दे मनां विच उन्हां दी सेहत नाल होने वाले खिलवाड़ नूं दूर किया जा सके। मैं पहली पातशाही गुरु नानक देव जी द्वारा जपजी साहब विच वातावरण की महत्ता बारे खूबसूरत बयान ही नहीं किया, सानूं सेध भी दित्ती है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दाई दया खेले सगल जगत। मैं स्पीकर साहब पवित्र सदन की मर्यादा नूं कायम रखने लई अपने सामने बैठे भरा नूं दसना चाहुंदा हाँ कि यह तुक आनंद साहब विच नहीं आउंदी। आनंद साहब की बाणी गुरु अमरदास जी द्वारा रचित है अते उपरोक्त श्लोक गुरु नानक पातशाह दा रचिया होया है। मामले की गंभीरता नूं मुख रखते हुए संबंधित मंत्री जी सदन विच बयान देने की कृपालता करन जी, धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री साहब। माननीय स्पीकर साहब, इंडिया गौरमेंट वालों राज सरकार की सहमति ते साझेदारी दे नाल 7 PM मैगा इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल रीजन ते एपरल पार्क स्थापित करन दी योजना नूं मंजूर किया गया। इस योजना नाल निवेश जिहड़ा ओह भी आवेगा ते नवें रोजगार भी सिरजे जाणगे। इस योजना की मुढ़ली शर्त यह है कि जिहड़ी गौरमेंट स्टेट गौरमेंट इस योजना नूं इस्तेमाल करना चाहुंदी है उहदे कोले 1000 एकड़ कट्ठी ते बिना किसी लोन तो जमीन चाहिए है। पंजाब सरकार वालों इस मंतव लई तहसील कूम कलां विखे जमीन की शिनाख्त की गई है। सर, इस योजना तहत सर एक जगह पर टैक्सटाइल पार्क की स्थापना जिहड़ी भारत सरकार नूं प्रपोजल भेज दी गई है। कुल 463.4 एकड़ सरकारी जमीन पिंड गढ़ी फजल हैदरनगर ते गरचा विखे सरकार वालों UVGL स्कीम अधीन पुड्डा नूं तब्दील कर दी गई है। अते पिंड सेखोवाल सेलकियाणा ते सलेमपुर 493.99 एकड़ पंचायती जमीन पंचायतों नूं कीमत अदा करके पुड्डा दे नाम तब्दील कर दी गई है। इस तरह मंतव नाल 957.39 एकड़ जिहड़ी है वह जमीन ग्रहण कर ली गई है। बाकी रहिंदी जिहड़ी जमीन है वह ग्रहण कर ली जाएगी ता जो 1000 एकड़ का जिहड़ा मापदंड उन्होंने रखिया उन्हें पूरा किया जा सके। तो जिहड़ा प्रोजैक्ट है इहदे वास्ते पिंडां दे लोग सहमत ने क्योंकि उन्होंने पिंडां दे लोगों नूं रोज़गार दे विच कोटा रखा जाऊगा, रोज़गार मिलेगा। तो वातावरण संबंधी मंजूरियां तो केंद्र ते राज दे जिहड़े पोल्यूशन बोर्ड ने पोल्यूशन रोकथाम बोर्ड ने उन्हां वल्लों निर्धारित किए जाएंगे। वातावरण संबंधी जो भी कानून ने वह सारे लागू होंगे। एक गल नूं यकीनी बनाया जाऊगा कि दरिया का एक भी तुपका दूषित नहीं होगा ते नाल उस इलाके दे लोकां दी सेहत ते कोई माड़ा प्रभाव नहीं पाऊगा। पंजाब सरकार इस वल्लों बहुत चिंता भी रखती है वातावरण संबंधी ते जदों कोई नवें प्रोजेक्ट असी लाने तो उहदे विच तां सवाल ही पैदा हो सकदा कि किसी की सेहत जां धरती दे विचला पानी जां दरिया का पानी दूषित होवे। तो मैं MLA साहब नूं मैं एक गरंटी दिना कि ये जिहड़े उत्थे उद्योग लगनगे वह कैमिकल नाल रिलेटड नहीं होणगे, सिर्फ ते सिर्फ वह ऐसी इंडस्ट्री है जिहड़ी लोकां नूं रोज़गार देगी।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੌਖਲਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਧਨਾਂਸੂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਫਿਫਥ ਕਲਾਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ